हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीक के रॉ में हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिली थी एंड इस वीक के रॉ में उन सब चीजों का आंसर हमें मिलते हुए दिखने वाला है और कई सारी चीजें WWE ने अभी से ऑफिशियल कर दिए इस वीक के रॉ के लिए। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ मैं आप सबको बॉबी लेसली एंड रोमन रेंस के चैंपियनशिप फ्यूड से रिलेटेड अपडेट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस वीक के रॉ से जुड़ी चीजों से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का सेगमेंट, जहां पर वो हमें बताते हुए दिखेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने लास्ट वीक फिर से अटैक किया कोडी रोड्स पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, सभी को लग रहा था सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में, लेकिन उसके बाद रॉ में सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के सामने आते तो है एंड उनकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि तुमने मेरा रिस्पेक्ट अर्न कर लिया है, बट कोडी रोड्स जब रैंप से जा ही रहे थे देन पीछे से आते सेथ रॉलिंस एंड उन पर स्लेज हैमर से काफी बुरी तरह से अटैक करते, स्पेशली उनके इंजर्ड एरिया वाले पार्ट में। और जैसा कि आप सबको पता ही है, WWE ने हमें कहा है कि कोडी रोड्स WWE से 9 महीने तक बाहर रहने वाले, सो इस वीक वो हमें लाइव वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ हो सकता है उनका कोई हमें प्रोमो पैकेज वगैरह देखने को मिल जाए। और सेथ रॉलिंस की अब एक तरह से न्यू डायरेक्शन शुरू होने वाली है, और आप सबको पता ही है सेथ रॉलिंस का नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होने वाला है, वो है MITV लैडर मैच, यानी कि इस वीक के रॉ में वो हमें क्वालिफाई होते हुए दिख सकते हैं मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग WWE ने कंफर्म कर दी है वो है जजमेंट डे से रिलेटेड, कि उनका हमें इस वीक के रॉ से न्यू डायरेक्शन देखने को मिलने वाला है। जैसा कि गाइस, लास्ट वीक के रॉ में एक काफी तगड़ा शॉकर देखने को मिला, क्योंकि सभी एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि फिन बैलर ज्वाइन करने वाले जजमेंट डे को, लेकिन जजमेंट डे के लीडर एज ही उस फैक्शन से बाहर निकल जाएंगे, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जैसा कि आप सबको पता है, अपडेट्स ये है कि एज फिर से बनने वाले बेबी फेस, और इतना ही नहीं WWE उनका कुछ हमें इंजरी वाला एंगल दिखाते हुए दिख सकते, जिसकी वजह से वो हमें कुछ हफ्ते बाहर रहते हुए दिख सकते हैं WWE से। सो इस वीक के रॉ में वो हमें देखने को मिलेंगे, इसके चांसेस थोड़े कम है, बट हाँ जजमेंट डे जरूर से एज के बारे में हमें बात करते हुए दिख सकती है। एंड फिन बैलर का किस तरह से रोल रहता है वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ, बिकॉज अब फाइनली उन्हें काफी टाइम के बाद एक प्रॉपर स्टोरी लाइन मिली है। वहीं जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जजमेंट डे की मेंबर रिया रिपली ने लास्ट वीक जीत लिया था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर मैच, एंड अब उनका मैच बियंका बैलर के साथ ऑफिशियल हो चुका है मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में। सो इनके बीच भी हमें इस वीक के रॉ में प्रोमो सेगमेंट या फिर ब्रॉल वगैरह देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात कर ली जाए बॉबी लेस्ली एंड ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में बॉबी लेस्ली को इंटरप्ट किया था ऑस्टिन थ्योरी ने, एंड ऑस्टिन थ्योरी जब सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे बॉबी लेस्ली के साथ, बॉबी लेस्ली ने सीधा उन्हें किक मारकर रिंग से बाहर भेज दिया, यानी कि अब इनके बीच हमें फ्यूड देखने को मिलने वाला है। और शायद से बॉबी लेस्ली को मिलने वाली है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, WWE जॉन सीना एंड ऑस्टिन थ्योरी की मैच प्लान कर रही है समर स्लैम के लिए, सो ऑस्टिन थ्योरी उससे पहले हारेंगे इसके चांसेस थोड़े कम है। एंड हम सब पर्सनली ये चाहते हैं कि बॉबी लेस्ली को भी WWE वीक ना दिखाए, इसलिए देखते हैं WWE इन दोनों की फ्यूड की एंडिंग किस तरह से करती है। नेक्स्ट बात कर ली जाए उसोस के नेक्स्ट चैलेंजर के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने हरा दिया था उसोस को चैंपियनशिप कंटेंडर मैच में, यानी कि उन्हें अब मिलने वाली है यूनिफाइड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। और चांसेस ज्यादा यही है कि ये किसी पेपर व्यू वगैरह में नहीं होने वाला, बल्कि किसी रॉ के एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये मैच हम सब ने काफी बार देखा है टैग टीम की WWE के पास कमी है, एक ही मैच घुर फिर कर वापस से आ जाता है, यानी कि उसोस की जब फ्यूड खत्म होगी स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ तो फिर वो चल जाएंगे न्यू डे। इसी तरह से एक ही फ्यूड हमें बार बार घूम फिर के देखने को मिलती है, और मुझे पता है इस चीज में काफी कम ही लोग इंटरेस्टेड होंगे। अब गाइस, ये तो थी वो चीजें जो कि हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिल सकती है, बट आप सबको बता दूं WWE हेल इन अ सेल के बाद रोमन रेंस एंड बॉबी लेस्ली के बीच काफी कुछ बड़ा प्लान करी थी, जो कि अपनी नेक्स्ट अपडेट है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जब बॉबी लेस्ली ने हैंडीकैप मैच में हराया था ओमोस एंड MVP को, उन्होंने रिंग साइड में जाकर अपनी चैंपियनशिप रेस की थी। उसके बाद ट्वीट कर उन्होंने ये कहा था उनके लिए नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला, वो उन्होंने हिंट कर दिया हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में। और आप सबको बता दो गाइज, अपडेट से निकल कर आ रही है कि जो भी बॉबी लेस्ली ने हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में किया, यानी कि उन्होंने फैंस से लेकर WWE चैंपियनशिप रेस की, वो स्क्रिप्टेड था, WWE ने ही उन्हें ऐसा करने को बोला, बिकॉज हेल इन अ सेल के बाद WWE सोच रही थी बॉबी लेस्ली एंड रोमन रेंस की फ्यूड करवाने के बारे में, लेकिन WWE ने अभी अपने प्लान्स कर दिए कैंसिल और इनकी फ्यूड हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। सो अगर WWE ओरिजिनल प्लान्स के साथ जाती देन आप सबको रॉ में अभी बॉबी लेस्ली एंड रोमन रेंस की फ्यूड देखने को मिल रही होती। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना है कि अगर रोमन रेंस एंड बॉबी लेस्ली का मैच होता है फ्यूचर में, देन आपको क्या लगता है वहां पर किसकी जीत होने वाली है, रोमन रेंस की या फिर बॉबी लेस्ली की। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।